सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो ये अभी हमारी बात चल रही थी, तो कह रही है कि अनमोल दिखाइए। अनमोल ने मुंह फेर लिया। अरे बम में वो देखो ना, ये अनमोल ने पिंक शर्ट डाल रखी है, तो कह रही है मेरा भाई भी तो पिंक डाल रहा है, तुम्हें पिंक डालने में आप फसाती है। भाई मैं नहीं डाल रहा, ये कलर्स का ट्रेंड नहीं आजकल, पिंक, लेवेंडर, नियॉन है ना। वो फ्रेम से गायब हो गया। वो दोनों देखो पीछे पीछे चली हैं। उनको लग रहा है कि वो कुछ खा रहे हैं, तो कुछ खाने को देगा। मम्मी ब्रेकफास्ट बना रहे हैं, तीन लोग हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, तीन चीजों की डिमांड है। अनमोल मटर मशरूम के साथ परांठा खा रहा है, अरुण ने पनीर की भुर्जी के साथ चपाती खानी है, और मैंने गोभी के परांठे खाने हैं। तो ये कई बार ना मुझे इनके ना लड़की होने पर डाउट होता है, ये बेचारी फैशन करने जाती है कभी की है। तो मैंने ये अभी सोचा, मैं ना कुछ शूट करना था, अरुण को बोला, मैंने कहा मेरे ना बाल बड़ा मन कर रहा है, मेरे बहुत स्ट्रेट और सिल्की हेयर है, मतलब बहुत एक्सट्रीम, और मेरा ना कभी कभी मन करता है मेरे काश कर्ली हेयर होते। कर्ली वाले सोचते हैं काश हमारे स्ट्रेट होते, तो वो जाके स्ट्रेटनिंग करवाते हैं। मैंने कल रेमेडी परफॉर्म करी थी, और ये इतने ज्यादा सिल्की हो रखे थे, मैंने अरुण को बोला मेरा मन करे मैं हल्के हल्के ना कर्ल्स डाल लूं, और कर्लर लग गए हैं, जल गया वो जो स्ट्रेटनर। अच्छा कर्लर, सॉरी, जस्ट अभी पता चला कि स्ट्रेटनर और कर्लर अलग अलग होते हैं। मुझे अभी तक लगता था कि सिर्फ स्ट्रेटनर आते हैं। फिर तुम गवार हो, स्ट्रेट और कर्ल का मतलब तो मुझे, मैंने क्या बोला मेरे का, मुझे नहीं पता था कर्ल करने के लिए कोई चीज आती है कि कर्लर आता है। ये होता है आधी अधूरी बातें सुन के कर देते जो। हाँ बोलो। तो मतलब ये चीज मैं आपको बताती हूँ, मैं आलू क्यों घिस रही हूँ, यहाँ जला है तो ये निशान नहीं पड़ेगा यहाँ पे, ये मत देखना, ये तो पहले चोट का है, ये जो रेड हुआ है ना यहाँ से, मैं दिखाती हूँ ये, तो यहाँ पे देखो हल्का हल्का ये हो गया। पर अगर आपको कभी भी कुछ भी आपको जल जाए कुछ भी, इमीडिएटली आप आलू का पानी घिसते हो तो वहां पे जो ब्लिस्टर बनता ना, जिसको फफोला बोलते हैं, वो नहीं बनेगा। अगर जैसे कोई हमसे वैसे जलता है तो उसके लिए भी आलू मलहम है लगाने की, मरहम होता है, मरहम है। जो ये वाले हमारे किटन है ना, तो इसको बिल्कुल भी नहाना पसंद नहीं है, ये बहुत ज्यादा डरते है, और जो वो है ना तो ये बहुत एंजॉय करती है। देखो मतलब आपने शायद ही कोई किटन देखी होगी जो मतलब इतना एंजॉय कर रही है। देखो मतलब इसको ना मजा आता है नहाने में कि कोई मेरे को नहला रहा है, और मतलब ये ना अगर जैसे इसको नहलाते नहीं है ना, तो आप लोग ये सोचो यार इसको जबरदस्ती नहला, अगर इसको हम नहलाते नहीं है ना तो अगर टैप के नीचे आके खड़ी हो जाती है, इसको लगता है डर। अब ये सोच रही है यार इसको तो नहला रहे हैं, मेरी भी बारी आएगी। ये यहाँ छुप के देख रही है, और ये देखो इतने प्यार से ना इसने हिलना, ठीक है, शैम्पू वैम्पू लगवा रही है। एंड यार जस्ट अभी ना मैं एक कमेंट रीड कर रहा था, तो किसी ने कमेंट किया हुआ आज के ब्लॉग पे कि कैट्स हैव नेगेटिव एनर्जी, इनको इनके वहां पे छोड़ाओ। ये देखो नहाने के बाद इधर कर रहा है, एक बार थोड़ा सा इधर करना, डंडी नहीं होती। क्या निकला इसमें से, कहाँ भाग रही है, क्या निकला इसमें से देखना। ओ माय गॉड, प्रॉब्लम मुझे लगवा के रोज खुद बैठ जा रहे हैं, जो मेरी थेरेपीज हो रही है ना खुद की भी लगवा के बैठ रहे हैं, मैं भी करवाऊंगा। दर्द हो रहा है, मेरे भी तो तकलीफ है, बहुत तकलीफ है, खून कम पिया करो ना बीवी का। तो यार ये बेचारी ना यहाँ पे आके फंस गई है, तो इसको निकाल के इसको बाहर छोड़ दो, बाहर गई। सो यार अभी हम लोग आए हैं अंब की मार्केट में, कुछ थोड़ा थोड़ा सा काम था तो वो सारा निपटाने, फिजियोथेरेपी ने करवानी थी। अब वही है ना यार कि देखो मैं तो इस बारे में कुछ बोलना नहीं चाहता, अगर मैं कुछ बातें बोलूँगा तो वो किसी को चुप जाएंगे कि अरुण तो ऐसे बोलता है, फिर ये लगेगा कि पति को तो ऐसे टाइम में सपोर्ट करना चाहिए, केयर करनी चाहिए, और अभी हम मार्केट में तमाशा में चाहता नहीं, तो इस चीज़ पर तो मैं कुछ कमेंट करूँगा नहीं। एक्चुअली कुछ ना हमें 5-6 आईफोन्स वगैरह लेने हैं, तो हम उस लिए आए हैं। मैंने यहाँ से मोड़ लिया है और यहाँ पे मैं फ्रीज हो गई थी, बस उसके बाद हिम्मत नहीं बढ़ी। ये पहले ना एक्चुअली गाड़ी चलाते थे, तो ये दिल्ली से आ रहे थे गाड़ी चला के, और इस जगह पे ये फ्रीज हो गए थे, और उसके बाद से इन्होंने गाड़ी नहीं चलाई कोविड के टाइम। तो मेरे प्रवचन और ज्ञान का कुछ ऐसा असर हुआ कि सारी चीजें छोड़ के ये यहाँ पे आ गए हैं। मैंने क्या करा, वहीं पे बाजार में कलेश डाल दिया, मैंने पागल पागल हो तुम ये वो, और फिर इनके दिमाग में कुछ लगे कि यार मुझे तो चलना चाहिए, ठीक है मुझे फिजियोथेरेपी करवानी चाहिए अपनी, क्योंकि उनको ना यार दिक्कत बहुत ज़्यादा हो रही है, मतलब थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा। पहले हम आईफोन लेने गए थे बट वहाँ पे उनके पास थे नहीं, फिर हम यहाँ पे आ गए। तो यार अभी
डॉक्टर साहब की चल रही है फिजियोथेरेपी और वो बैठे अंदर एंड मैं कर रहा हूँ इनका वेट। और ये इनकी यहाँ पे चल रही है फिजियोथेरेपी अभी। वो कितना टाइम और लगेगा? डेढ़ घंटा हो गया। और कितनी देर लगेगी? और तकलीफ क्या बताई डॉक्टर साहब ने? बता रही हूँ, शर्म आ रही है अभी बोलने में। सो जब ये क्लिप शूट हो रही है आज है मंडे एंड आइडियली वी आर प्लानिंग कि हम वेडनेसडे को यहाँ से सुबह 4 बजे मॉर्निंग में निकल जाएंगे, लेकिन जस्ट अभी ना हम गए थे और हमने इनकी फिजियोथेरेपी करवाई और वहाँ पे डॉक्टर साहब ने कुछ बहुत ही ज़्यादा बताया ऐसा कि इनकी तबीयत इतनी ज़्यादा सही है नहीं। बोले कि अगर आप अभी भी बॉडी को बहुत ज़्यादा पुश करोगे तो ये कंडीशन वर्स होने वाली है। और अब मतलब अभी इन्होंने फिजियोथेरेपी करवाई, कल भी 2 सेशन लेने, कल ट्यूसडे है, वेडनेसडे को हमें निकलना था, लेकिन मैं इनको बोला क्योंकि ये जाते ही एक तो 8 घंटे ट्रैवल करेंगे, हम वरना से जा रहे हैं कार से, ठीक है, 8 घंटे ट्रैवल करेंगे और सिचुएशन वर्स होगी, ठीक है, क्योंकि मम्मी पापा को भी जाना है, शैंकी को भी जाना है, और सिचुएशन वर्स होगी। उसके बाद जाके थर्सडे से अपने पेशेंट्स वगैरह अटेंड करना स्टार्ट करेंगे, ओपीडी वगैरह थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, जो कि सारा लाइंड अप है सारी ओपीडीज वगैरह। नहीं, थर्सडे मैंने रेस्ट रखा था, फ्राइडे से। वो इन्होंने ऐसा बोला है सिर्फ, ठीक है, और इनकी कंडीशन और ज़्यादा वर्स होगी। अब समझ नहीं आ रहा कि यहाँ से क्या करें। मैंने डॉक्टर साहब से बात की तो उन्होंने बताया आप बताओ वो ट्रैवल नहीं करना, ड्राइव नहीं करना, और यही है ना, एक हफ्ता और रुकना है। तो मैंने बोला कि मैंने कहा मैं अगर यहाँ पे ओवर टाइम रुक के, और मैंने कहा मैं आपको जैसे दिन में 2 बार करवाएं। फीलिंग आ रही थी पहली बार पेशेंट की, क्योंकि जितना मैंने पेशेंट आके बोलते ना कितना आराम मिलेगा कि होगा, और मुझे डॉक्टर साहब आप बताओ अगर एक हफ्ता कराएंगे। डॉक्टर साहब ने कहा कि एक हफ्ते के अंदर ना मैं इनको 100% ठीक कर दूंगा। मैं मतलब मेरे को थोड़ा सा बस ये हो रहा है, इतने दिन हो गए ससुराल में रहते हुए, ठीक है, मम्मी कहेंगे तो बस ही है। ये पहला दिमाग सारा दिन ससुराल में पसरे बैठे हैं, जोक से पार्ट तुम्हारी वजह से रुक रहा हूँ, क्या करूँ मैं। जैसा अरुण की सोच है हमारी नहीं यार, हमें तो कोई फर्क नहीं है, यही रह लो चाहे है। सारा दिन आप छोटे रहते हो, सुबह आके आप मुझे उठा देते हो 5 बजे। अभी देखते हैं यार जाने का कैसे होता है, पहले कल 2 सेटिंग्स लेंगे फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या प्लान करते हैं। बोलो इधर देख के। हाँ देखते हैं अभी। यही फिजियोथेरेपी पहले भी हो सकती थी, पहले नीड नहीं लग रही थी ना। 2 कंबल ले रखे हैं तो इन्हें ठंड लग रही है, एक बार हटाना। जैकेट पहन के सो रही हैं, ना इनसे हिला जा रहा है, बल्कि आज फिजियोथेरेपी करवाई उसके बाद तो इनकी तबीयत और ख़राब हो गई। मतलब ये लगाओ कि इनसे ना उठा जा रहा है ना बैठा जा रहा है, इनको इस सपोर्ट चाहिए उठाने के लिए और लेटाने के लिए, समझ नहीं आ रहा यार। परसों हमें निकलना था, सारी इन्होंने ओपीडीज वगैरह भी उसके हिसाब से फिक्स कर दी थी, फिर से तबीयत ख़राब हो गई इनकी। एक कंबल, 2 कंबल, हाँ। तो ये मेरे पेशेंट है शिप्रा। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन शिप्रा, शिप्रा की प्रेगनेंसी पॉजिटिव हुई है, तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दीजिए शिप्रा। एक्चुअली मेरे को PCOS था फॉर लास्ट 12-13 ईयर्स, और उसके बाद मैंने मैम से कंसल्ट किया अराउंड इन द मंथ ऑफ जून 2022 में, और उसके बाद फिर मेरी मेडिसिन चल रही थी, और उसके बाद फिर मेरा शादी हुआ नवंबर 2022 में। नाउ आई कंसीव, नाउ रिजल्ट पॉजिटिव है जनवरी में, एंड थैंक यू सो मच मैम इतना अच्छा हेल्प करने के लिए, क्योंकि एलोपैथी से और बहुत सारे आयुर्वेदिक डॉक्टर ने भी अलग अलग मेडिसिन दिए पर कुछ वर्क नहीं किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू शिप्रा। थैंक यू।